स्टूडेंट्स, आज हम दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों का दोहरान करेंगे। इसका प्रथम नियम है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, तो यह जो किरण है, परावर्तित किरण जो है अपने पास है, वो उसके मुख्य फोकस से गुजरेगी। लेकिन अगर अपने उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात उसके फोक से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहले नियम को दोहरान करें तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोक से गुजरती है अवतल दर्पण के लिए, या मुख्य फोक से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए। दूसरा नियम पहले नियम का अपोजिट है, जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। वही बात, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, उसका मुख्य फोकस उसके सामने होता है, तो इसके अंदर तो ये मुख्य फोकस में से होके गुजरेगी। लेकिन अगर अपने उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका मुख्य फोकस दर्पण के पीछे की ओर होता है। तो इसमें अपनी ये बोलेंगे, जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस की सीध में दर्पण पर आपतित होती है वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम था, जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से होकर या मुख्य फोकस की सीध में दर्पण पर आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तृतीय नियम, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर लौट आती है। इसका कारण यह है कि अगर अपने दर्पण की सतह पर अभिलंब खींचते हैं तो वह अभिलंब उसके वक्रता केंद्र में से गुजरता है, और परावर्तन के अंदर अपने ये बताया था कि जो प्रकाश किरण अभिलंबवत किसी सतह पर आपतित होती है तो वापस उसी पथ पर लौट जाती है। इस दौरान आपतन और परावर्तन कोण दोनों का मान जीरो होता है। तो ये अपने उसी पुनः उसी पथ को ये रिट्रेस करती है, पुनः उसी पथ पे वापस लौट आती है। ये नियम अपने उत्तल दर्पण के लिए लेते हैं तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की सीध में दर्पण पर आपतित होती है तो वापस उसी पथ पे लौट जाती है। तो तृतीय नियम ये था कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की सीध में या वक्रता केंद्र में से होके दर्पण पर आपतित होती है तो वापस उसी पथ पे लौट आती है। एक तिर्यक किरण का नियम है, जिसके अंदर प्रकाश किरण समानांतर तो होती है लेकिन वो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं होती। जैसे ही अपने पास मुख्य अक्ष है, प्रकाश किरणें परस्पर समानांतर हैं लेकिन ये मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। तो जब इनका दर्पण से परावर्तन होगा तो ये फोकस तल पे मिलेंगी। फोकस तल वो तल होता है जो मुख्य फोकस में से गुजरता है और मुख्य अक्ष के वो लंबवत होता है। तो तिर्यक किरणें परस्पर समानांतर हैं और दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे फोकस तल में से गुजरती हैं। ये दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम हैं।